हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू eClass सेशन। फ्रेंड्स, eClass सेशन को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 8th है, ए गेम ऑफ चांस फ्रॉम द बुक हनीसकल क्लास 6। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के हम में जो भी टेक्स्ट है पूरे को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और ये पूरा चैप्टर हम 4 वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी 4 वीडियो जरूर देखें और उसके बाद मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो इस चैप्टर में आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छी तरह से आप इसको याद कर पाओगे और जिससे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वन एनीथिंग इन ए लकी डिप, क्या आपने कभी, हैव यू एवर वन, क्या आप कभी जीते हैं एनीथिंग, कोई भी चीज़ इन ए लकी डिप, जो भाग्य से लकी डिप होती है, एक जो हम अपनी किस्मत आजमाते हैं उसको बोलते हैं हम लकी डिप, और अदर सच गेम ऑफ चांस, और अदर सच गेम ऑफ चांस, या फिर कोई दूसरे इस प्रकार के गेम, चांस के, मौका के जो गेम होते हैं उनको आपने कभी ट्राई किया है, आपने उसमें कभी ऐसा कुछ जीता है। डू यू लाइक सच गेम, क्या आप इस तरह के जो गेम हैं, खेल हैं, इनको पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर का नाम ए गेम ऑफ चांस, मौके का जो खेल है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें है, एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, ओकेजन होता है अवसर, ईद के अवसर पर, देर वाजे फेयर, फेयर होता है मेला, इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता है, क्लियर। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, जो ईद है वो केवल एक दिन ही मनाई जाती है, सेलिब्रेट करना, मनाना, बट परंतु द फेयर, जो मेला है, लास्टेड मैनी डेज, कई दिनों तक चलता है, लास्ट मैंने ख़त्म होना, अंत होना, यानी कि मेला कई दिनों तक चलता है, वो ख़त्म नहीं होता, क्लियर। ट्रेड्समैन, व्यापारी, फ्रॉम फार एंड वाइड, फार एंड वाइड क्या होता है, फार एंड वाइड दूर से, दूर दराज से, फार एंड वाइड दूर दराज से, जो व्यापारी हैं दूर दराज से, केम देर, यहाँ पे आते हैं, विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, जो व्यापारी हैं दूर दराज के से यहाँ पे आते थे, विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, सभी प्रकार की चीजों के साथ, क्लियर। टू सेल, बेचने के लिए, बहुत सारी चीजों के साथ दूर दराज से जो व्यापारी है यहां पे उनको बेचने के लिए आते थे। यू कुड बाई एनीथिंग, तुम कुछ भी खरीद सकते थे, फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो, एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़े भैंसे तक आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर, अंकल मुझे मेले में ले गए, भैया, भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, जो घर पर हमारे नौकरी करता था या हमारे काम करता था, केम विद अस, हमारे साथ आया, क्लियर। एक भैया तो जो हमारे घर पे नौकरी करते थे वो भी हमारे साथ आए, ठीक है। देर वाज ए बिग क्राउड, क्राउड होता है भीड़, वहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ थी, एट द फेयर, मेले में, मेले पे वहाँ पे एक बड़ी भीड़ थी। अंकल वाज लीडिंग अस, लीड होता है नेतृत्व करना, ठीक है, जो अंकल है वो हमारा नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि वो हमको ले जा रहे थे। थ्रू द क्राउड,
भीड़ के माध्यम से, इनकी भीड़ के अंदर से जो अंकल थे, जो चाचा थे, वो हमें हमारा नेतृत्व कर रहे थे। व्हेन जब ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब वो उनके मित्रों से मिले, ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों में से कुछ को जब वो मिले, दे वांटेड, वो चाहते थे, यानी कि जो उनके फ्रेंड थे वो क्या चाहते थे, दे वांटेड, वे चाहते थे हिम, वे उनसे चाहते थे टू स्पेंड सम टाइम विद देम, उनके साथ कुछ समय बिताएं। जो उनके फ्रेंड थे वो अंकल से चाहते थे कि कुछ समय उनके साथ, जो उनके अंकल हैं, वो बिताएं। क्लियर। अंकल आस्क्ड मी, अंकल ने मुझसे कहा, वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक, क्या मैं पसंद करूंगा मेले को देखना, टू लुक अराउंड द फेयर, मेले को चारों ओर से देखना, विद भैया, भैया के साथ, टिल ही केम बैक, जब तक कि वह वापिस नहीं आ जाते। क्लियर। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, हैप्पी होता है खुश, मैं खुश था, टू डू दैट, वो करने के लिए मैं खुश था, यानी कि मैं जो भैया साथ में थे उनके साथ जो मेला देखने के लिए मैं खुश था, यानी कि मैं हाँ देख सकता हूँ। अंकल वार्न्ड मी, वार्न होता है चेतावनी देना, अंकल वार्न्ड मी, अंकल ने मुझे चेतावनी दी, नाइदर टू बाई एनीथिंग, ना तो कोई भी चीज़ खरीदे, नॉर टू गो टू फार, ना ही कहीं दूर जाए, टू फार ज़्यादा दूर, ना ही कहीं दूर जाए, ना ही कोई चीज़ खरीदे, टू फार आउट, बाहर कहीं दूर ना जाए, वाइल ही वाज अवे, कि जब तक वह दूर थे, अवे दूर, आई प्रोमिस्ड, मैंने वचन दिया, मैंने प्रोमिस की, मैंने वचन दिया, दैट कि आई वुड वेट फॉर हिम, मैं उनके लिए इंतजार करूँगा। क्लियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।